नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। 17वें ओवर से बदल गई पूरी कहानी। लगातार 3 छक्के जड़कर मैथ्यू वेड ने ऐसे छीनी पाकिस्तान से जीत। आईसीसी T20 विश्व कप में 11 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट के अंतर से हरा दिया। पाकिस्तान द्वारा दिए गए 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया एक समय शादाब खान के दिए झटकों से कराह रही थी, मगर यह किसे पता था कि लगातार दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम 19वें ओवर में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के जबड़े से जीत छीन लेगी। आईसीसी T20 विश्व कप टूर्नामेंट में दोनों सेमीफाइनल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैथ्यू वेड शानदार 41 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान को धूल चटा दी। वहीं पहले सेमीफाइनल मुकाबले में नीसम द्वारा आतिशी पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए पाकिस्तान की टीम को आमंत्रित किया। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 176 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग के लिए क्रीज पर आए कप्तान बाबर आजम ने 39 रन बनाए। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 67 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम का स्कोर 176 रनों तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 49 रन, मैथ्यू वेड नाबाद 41 रन और मार्क्स स्टोइनिस नाबाद 40 रनों की पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर में शेष रहते ही इस मैच को जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में मिली जीत से खुद आश्चर्यचकित होगा। उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वह इस मुकाबले को पाकिस्तान को 5 विकेट से पीटकर अपने नाम कर चुका है। ऑस्ट्रेलियाई पारी के 16वें ओवर खत्म होने के बाद जब 17वें ओवर की शुरुआत हुआ तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को 4 ओवर में कुल 50 रनों की दरकार थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में ही पाकिस्तान के गेंदबाजों का काम तमाम करके जीत हासिल कर ली और इस तरह से पाकिस्तान पूरे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और ऑस्ट्रेलिया अब फाइनल में पहुंच चुका है और अब आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल देखने को मिलेगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।